हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया है NIT आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे जो है इन्होंने एप्लीकेशन आज इन्वाइटेड फॉर एडॉक फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन को निकाला है। तो चलिए हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो नोटिफिकेशन आया है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश यानी कि NIT आंध्र प्रदेश से आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडॉक फैकल्टी रिक्रूटमेंट एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है डिपार्टमेंट्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो स्कूल ऑफ साइंसेज एंड स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की, तो देखिए यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है फर्स्ट क्लास इन बोथ एमटेक एंड बीटेक में होना चाहिए आपका, यानी कि आपका बीटेक एमटेक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए या इक्विवेलेंट इन बायोटेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपने जो लाइक आपका बीटेक वो केमिकल इंजीनियरिंग में या एमटेक अगर बायोटेक्नोलॉजी में या केमिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो BSc, MSc और एमटेक अगर बायोटेक्नोलॉजी में है, तब भी आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। अगर हम बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आपका PhD होगा बायोटेक्नोलॉजी में तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन मेन जो है वो आपका PG डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट क्वालिफिकेशन ये आपको जो है माइंड में रखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में भी है कि आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए बोथ एमटेक एंड बीटेक एंड एमटेक में, और आपका जो डिजायरेबल रहेगा वो आपका रहेगा PhD इन रिलेवेंट और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जो है और भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो देखने को मिलेगी। तो हम बात करें यहाँ पे स्कूल ऑफ साइंसेस और स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए बोथ UG एंड PG में, और आपका जो PhD वो भी 11 सब्जेक्ट में इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया कि PG और UG में आपका जो है फर्स्ट क्लास होना चाहिए 11 डिसिप्लिन में, और जो PhD है वो भी आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए या 11 सब्जेक्ट में आपका PhD भी कंपलसरी है। यहाँ पे इन्होंने लाइक एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ही आपका UG, PG और PhD होना जो है 11 सब्जेक्ट में कंपलसरी इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ह्यूमैनिटीज़ मैनेजमेंट में भी यहाँ पे जो पोजीशन है उसे निकाला गया है। तो अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका PG है या PhD है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे आपका एमोलूमेंट्स का, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 60,000 पर मंथ विथ PhD क्वालिफिकेशन। अगर आपका PG के साथ PhD है तो आपको यहाँ 60,000 मिलेगा, वहीं अगर आपका सिर्फ PG क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे 50,000 जो है रुपीज़ यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, और ये जो टर्मिनेट हो जाएगी वो 31 मई 2022। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकलेगी, तो आप 1 ईयर तक जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर टेन्योर आपका खत्म हो रहा है, तो इन्होंने मेंशन करा कि आपको 1 मंथ पहले जो है वो नोटिस कर दिया जाएगा कि आपका टेन्योर जो है नेक्स्ट मंथ तक ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nitandhra.ac.in पर जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दे रखी इन्होंने कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का, वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप ये जो स्टेप 1, स्टेप 2 ये सब जो है देख के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹750 फॉर अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए, वहीं 500 है SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप जो है कैसे अपना जो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, भीम UPI, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना जो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जो 22 मई 2021 है, तो 22 मई से पहले आपको जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो आपको 31 मई 2021 पे आपको जो है NIT आंध्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। तो आप 31 मई को लॉग लाइक यूनिवर्सिटी NIT आंध्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है अपना देख सकते हैं कि आपका जो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है कि नहीं। ठीक है,
आप जो शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो यहाँ पे आई थिंक ऑनलाइन मोड पे होगा, या तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं देना है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्लॉट आपको दिया जाएगा, टाइमिंग बताई जाएगी, डेट बताई जाएगी, और उसी टाइम पर जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो ये अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इमिडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा NIT आंध्र आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे, ठीक है। अब देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारा एडॉक या प्योरली टेम्परेरी बेस पे है, तो इसका टेन्योर बढ़ भी सकता है। तो ये जो टोटली टेम्परेरी बेस्ड जॉब है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आई थिंक है नहीं, ऑलरेडी हमने आपका जो सारा जो इसेंशियल पॉइंट है वो सब डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।